फ्रेंड्स, विंडोज 11 का डेव चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट ने और एक नया अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट का बिल नंबर है 23,440। तो इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 पे बहुत सारा कुछ नया फीचर्स, उसके साथ साथ बहुत सारा फिक्सेस प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने का कोशिश करता हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा भर्सन चल रहा है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर 23,440 यहाँ पर ए चल रहा है। मैं यहाँ पर पूरी तरह से उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके साथ साथ फास्ट जो चेंज किया यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टार्ट मेनू पे रिसेंटली आप जो फाइल फोल्डर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी भी फाइल को आप एक्सेस किया रिसेंटली, उस फाइल को यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर देखो ये फाइल को, ये सारा कुछ फाइल को मैं रिसेंटली इस फाइल को एक्सेस किया। तो यहाँ पर ए विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू में रिकमेंड सेशन में आ गया ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर ये नया फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल के साथ ऐड कर दिया। और सेकेंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडजस्ट डेट एंड टाइम, जो क्लॉक चल रहा है इस क्लॉक को पूरी तरह से आप हाइड कर सकते हो। अगर आपका नेसेसरी नहीं है तो इसको हाइड कर सकते हो। देखो इसको हाइड करने के लिए यहाँ पर देखो टास्क बार जो सेक्शन यहाँ पर वो क्लॉक दिखाई दे रहा है, इस क्लॉक में राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो यहाँ पर एडजस्ट डेट एंड टाइम, इसको यहाँ पर से क्लिक कर लो और क्लिक करने के साथ साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर देखो यहाँ पर हाइट डेट एंड टाइम यहाँ पर शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा पास में जाकर दिखाने का कोशिश करता हूँ। हाइट डेट एंड टाइम यहाँ पर शो कर रहा है, इसको ऑन कर दो। देखो यहाँ पर डेट टाइम पूरी तरह से हाइट हो गया, इसको फिर से ऑफ कर दो। देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम फिर से आ गया वापस। देखो यहाँ पर फिर से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये पूरी तरह से गायब हो गया, ये फिर से पूरी तरह से आ गया। देखो यहाँ पर ऐसे है कि इसको पूरी तरह से गायब कर सकते हो। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर जो नेटवर्क सेशन है, ये नेटवर्क सेशन को राइट क्लिक करो। देखो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद डायग्नोज नेटवर्क प्रॉब्लम करके एक ऑप्शन को ले आया। देखो यहाँ पर नया ऑप्शन ये, इसको आप क्लिक करने के साथ साथ नेटवर्क सेशन रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है नेटवर्क सेशन रिलेटेड तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर बहुत सारा कमेंट है, इस कमेंट को पेश करने के साथ साथ और नेटवर्क सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और नई जो नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के साथ ऐड किया वो है विंडोज 11 स्पॉटलाइट। विंडोज 11 का स्पॉटलाइट सेक्शन का अगर आप ऑन करते हो तो उसके साथ साथ स्पॉटलाइट जो आइकॉन है पिक्चर, उस आइकॉन पूरी तरह से चेंज करके रखा। देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखाई देगा विंडोज स्पॉटलाइट, इस फीचर्स को अगर आप ऑन करते हो तो वहां पर आइकॉन पूरी तरह से ऐसे करके आ जाएगा। इस आइकॉन से आप बहुत सारा कुछ ऑप्शन पा सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर करना चाहते हो तो भी आप यहां से कर सकते हो। 23,440 इसी बिल नंबर के साथ ये नया फीचर छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 पे बहुत सारे कुछ फिक्सेस भी प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने का कोशिश करता हूँ। तो उनमें फर्स्ट जो है, कुछ पीस में यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर export.exe ये फाइल पूरी तरह से क्रैश हो रहा था। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारा कुछ दिक्कत आ रहा था, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और कुछ विंडोज 11 पीसी में वहाँ पर विजेट सेक्शन में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था, विजेट ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा था और विजेट अगर आप क्लिक करते हो बाहर में तो विजेट ऑफ नहीं हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के साथ साथ। और कुछ विंडोज 11 पीसी में ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि वहां पर अगर आप राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट मेनू आ जाता है वो मेनू पोजीशन अच्छी नहीं हो रहा था। अगर आप इस साइड में राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो मेनू है वो मेनू इस साइड में आ रहा था। तो कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी इशू आ रहा था, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी दिक्कत आ रहा था कि वहां पर जो डिस्प्ले वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर को चेंज करने के साथ साथ वहां पर जो फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पर बहुत सारा आइकॉन आप देख सकते हो यहाँ पर, उसके साथ साथ स्टार्टमेंट में बहुत सारा आइकॉन देख सकते हो, इस आइकॉन पूरी तरह से ब्लर करके प्रेजेंट हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी इशू आ रहा था कि वहां पर देखो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन किया, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर अगर इसका साइज बड़ा है तो इसको छोटा करने के लिए देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल को पेश किया। कंट्रोल को पेश करने के साथ साथ माउस का जो व्हील है, इस व्हील को मैं यहाँ पर आगे और पीछे पेश करते जाऊँ, ऑटोमेटिकली ये छोटा और बड़ा हो जाएगा। इसका साइज देखो यहाँ पर अच्छे से ये छोटा बड़ा हो जा रहा है। बहुत सारा विंडोज 11 पीसी के साथ ये फीचर्स काम ही नहीं कर रहा था, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर देने के साथ साथ। और कुछ विंडोज 11 पीसी के साथ ये भी इशू आ रहा था कि वहां पर सर्च ऑप्शन को आप क्लिक करते हो तो उसके साथ साथ सर्च ऑप्शन पूरी तरह से क्रैश हो जा रहा था। अगर आप उस पीसी में वहां पर अरबिक लैंग्वेज को सेटअप करके रखा तो वहां पर ये सारा कुछ इशू आ रहा था, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर देने के साथ साथ। कुछ विंडोज 11 डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ ये इशू आ रहा था कि हो सकता है कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ दो तीन मॉनिटर को कनेक्ट करके रखा, तो यहाँ पर विंडोज की प्लस पी पेश करने के साथ साथ यहाँ पर डुप्लीकेट की और एक्सटेंडेड ऐसे करके आप सेटअप करके रखा और सेकेंड मॉनिटर को डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ आपका पीसी पूरी तरह से क्रैश हो गया।
और ये इशू आ रहा था बहुत सारा विंडोज 11 पीसी के साथ, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर देने के साथ साथ। और नेक्स्ट और लास्ट बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में ये सारा कुछ भी दिक्कत आ रहा था। देखो यहाँ पर मैं टास्क बार में चला गया, वहां पर देखो यहाँ पर टच कीबोर्ड जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि नेवर ऑलवेज और व्हेन नो कीबोर्ड अटैच, ऐसे एक ऑप्शन है। अगर आपको विंडोज 11 लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड अटैच है या अटैच नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये टच कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पर ये बहुत सारा ऑप्शन है, मगर फिर भी ये ऑप्शन को ऑन करने के साथ साथ भी यहाँ पर ये टच कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो इस चीज को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश की माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 डेव चैनल पे 23,440 इसी बिल नंबर के साथ एक अपडेट को प्रोवाइड किया, तो इस अपडेट के साथ बहुत सारा कुछ नया फीचर्स उसके साथ साथ एक कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।